अगर कोई एक चीज है जिसमें हम सभी अच्छे हैं दोस्तों, तो वो है कॉपी कैटिंग, यानी कि नकल करना। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जब हमने ऑलमोस्ट सारी की सारी चीजें कॉपी यानी कि नकल करके सीखी हैं, तो हमने वेल्थ क्रिएट करने का कोई तरीका अब तक कॉपी कैट क्यों नहीं किया? ऐसे बहुत से सवालों के जवाब हमें मिलेंगे आज के हमारे इस ऑडियो बुक समरी में, जिसका नाम है कॉपी कैट मार्केटिंग 101। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी इस ऑडियो बुक समरी को। हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सेल्फ हेल्प बुक चैनल पर, जहां पर हम आपके लिए हर हफ्ते लेकर आते हैं एक ऑडियो बुक समरी को, जिसे आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम जिस बुक की समरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं, उसका नाम है कॉपी कैट मार्केटिंग 101, जिसे लिखा है बुर्क हेजिस ने। दोस्तों, इस बुक में टोटल 7 चैप्टर्स हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वन बाय वन हम इनके बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस बुक के इंट्रोडक्शन से। इफ यू डोंट लाइक योर रिजल्ट, चेंज योर अप्रोच, यानी कि अगर आप अपनी लाइफ में मिलने वाले परिणामों से खुश नहीं हैं, तो आपको अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसे कहानी के माध्यम से समझते हैं। ये वो स्टोरी है दोस्तों जो मुझे हमेशा से ही पसंद है। तो स्टोरी कुछ इस तरह से है कि एक बार एक बिजनेस मैनेजर होता है, जिसकी उम्र कोई 40 के करीब होती है। उसे पैसों की हमेशा तंगी रहती है, इसलिए वो एक फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेता है, ताकि उसे फाइनेंस से रिलेटेड कुछ एडवाइस मिल सके। तो अब होता ये है कि अपॉइंटमेंट वाले दिन वो उस फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलने उसके ऑफिस पहुंचता है। उस ऑफिस के बाहर दो दरवाजे होते हैं दोस्तों, जिसमें से एक दरवाजे पर एम्प्लॉयड लिखा हुआ है और दूसरे दरवाजे पर सेल्फ एम्प्लॉयड लिखा होता है दोस्तों। वो आदमी एम्प्लॉयड लिखा हुआ दरवाजा खोलता है, क्योंकि वो खुद एक एम्प्लॉय था दोस्तों। और जब वो उस दरवाजे को खोल करके अंदर जाता है, तो उसे फिर से दो दरवाजे मिलते हैं। उनमें से एक दरवाजे में लिखा था एक साल में $40,000 से कम कमाई, और दूसरे में लिखा था एक साल में $40,000 से ज़्यादा अधिक कमाई। अब उस मैनेजर की कमाई सालाना $40,000 से कम थी, तो इसीलिए उसने पहला दरवाज़ा खोला, और अंदर जाने पर उसे फिर से दो दरवाजे मिले, जिसमें से एक पर लिखा था कि एक साल में $2,000 से ज़्यादा सेविंग, और दूसरे में लिखा था एक साल में $2,000 से कम सेविंग। अब क्योंकि उसके बैंक अकाउंट में बस $1,000 ही थे, तो इसलिए वो दूसरा दरवाज़ा खोल करके अंदर चला जाता है, और वो क्या देखता है दोस्तों कि वो उसी जगह पर वापस आ गया है जहां से उसने फर्स्ट टाइम ऑफिस के अंदर जाना शुरू किया था। तो दरअसल बात यह है दोस्तों कि अगर आप सेम चॉइस चूज करते हैं, तो आप कहीं नहीं पहुंचते, बल्कि वहीं रहते हैं दोस्तों जहां से आपने स्टार्ट किया था। आप हमेशा वापस वहीं लौट करके आ जाएंगे जहां से आप चले थे, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए आपको डिफरेंट डोर्स खोलने होंगे, ताकि आपको डिफरेंट रिजल्ट मिल सके। लेकिन ये रिजल्ट मिलेंगे कैसे, अगर आपको ये जानना है तो आपको ये वीडियो समरी लास्ट तक जरूर देखनी है दोस्तों। और ना केवल इसको देखना है, बल्कि इसके अंदर जो भी बातें आपको बताई हैं, उसको आपने अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई भी करना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आगे बात करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है वी लिव इन द वर्ल्ड ऑफ कॉपी कैट्स, यानी कि हम कॉपी कैट्स की दुनिया में रहते हैं। अगर कोई एक चीज है जिसमें हम सभी अच्छे हैं, तो वो है कॉपी कैटिंग। लेकिन क्वेश्चन ये है दोस्तों कि क्योंकि हमने ऑलमोस्ट सारी की सारी चीजें कॉपी कैट करके ही सीखी हैं, तो हमने अब तक वेल्थ क्रिएट करने का कोई तरीका कॉपी कैट क्यों नहीं किया? हमारे पैदा होने के दिन से ही हम कॉपी कैटिंग स्टार्ट कर देते हैं। हमने अपने पेरेंट्स की लैंग्वेज कॉपी कैट की है, हम उनके मूव्स कॉपी कैट करते हैं दोस्तों, उनकी लाइफ स्टाइल को कॉपी कैट करते हैं। स्कूल में हम लेटर्स कॉपी कैट करके लिखना सीखते हैं, फिर हमने ड्राइविंग करना भी ऐसे ही सीखा। हम इंस्ट्रक्टर को इस बात के लिए पैसे देते हैं कि वो हमें खुद को कॉपी कैट करना सिखाए, और हम जितना बेटर उसे कॉपी कैट करते हैं, उतना ही बेटर ड्राइविंग सीखते हैं दोस्तों। हालांकि लाइफ में हर चीज़ की तरह कॉपी कैट करने के भी कई सारे डाउनसाइड होते हैं।
सिर्फ इसलिए कि हम सब कुछ ना कुछ कॉपी कैट करते रहते हैं तो इसका ये मीनिंग बिल्कुल भी नहीं है कि ये एक अच्छी चीज़ है। अब इस बात को ही कंसीडर कर लो कि जब आप कोई बैड हैबिट कॉपी कैट करते हैं, क्योंकि जिसे आप कॉपी कैट कर रहे हैं वो राइट हो ये ज़रूरी तो नहीं है दोस्तों। जैसा कि एग्जाम्पल के लिए इस स्टोरी को ही ले लीजिए, जिसमें एक आदमी की क्लोथ की शॉप थी दोस्तों। हर रोज एक बूढ़ा आदमी उस आदमी की शॉप के पास से गुजरता था और घड़ियों को देखता था। वो अपनी पॉकेट वॉच निकाल करके कुछ देखता और अपने रास्ते चला जाता। उस बूढ़े आदमी की इस आदत को देख करके स्टोर ओनर को बड़ी हैरानी होती थी। तो एक दिन उसने अपनी शॉप से बाहर आ करके उस बूढ़े आदमी से पूछा कि वो क्या कर रहा है, जिस पर उस बूढ़े आदमी ने जवाब दिया कि मैं हर रोज 5 बजे विसल बजाता हूँ, इसलिए यहाँ से गुजरते हुए इन घड़ियों को देख करके मैं एग्जैक्ट टाइम शेयर कर लेता हूँ दोस्तों। बूढ़े की बात सुनकर के वो शॉप ओनर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, मैं हर रोज आपकी विसल की आवाज़ सुन करके अपनी घड़ियों का टाइम सेट करता हूँ। दरअसल वो दोनों एक दूसरे की कॉपी कैट कर रहे थे दोस्तों, एक यानी कि एक दूसरे की नकल कर रहे थे, और वो दोनों ही सोचते थे कि दूसरा पर्सन राइट है, लेकिन वे बस एज्यूम कर रहे थे दोस्तों, और दोनों के दोनों रॉन्ग थे। तो हमने वेल्थ क्रिएट करने का कोई मेथड अभी तक कॉपी कैट क्यों नहीं किया? इस क्वेश्चन का जवाब होगा कि जब हम जॉब ट्रैक का तरीका कॉपी कैट करते हैं, ना कि वेल्थ क्रिएशन का ट्रैक, तो ऐसा क्यों है भला? दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि अपने फाइनेंशियल ड्रीम्स पूरा करने के लिए उन्हें सिर्फ जॉब ही करनी चाहिए। तो आप भी सोच समझ करके चूज करें उन 95% यानी कि 95% लोगों की तरह जो लोग जॉब ट्रैक पर हैं, वो शायद 65 वर्ष की एज तक जिनका दिवालिया निकल चुका होगा। क्या आप भी यही चीज़ कॉपी कैट करना पसंद करेंगे, या फिर आप उन 5% यानी कि 5% लोगों को कॉपी कैट करना पसंद करेंगे जो वेल्थ क्रिएशन के ट्रैक पर हैं और शायद 65 वर्ष की एज से पहले फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, और उनमें से शायद कुछ लोग वेल्दी भी बन चुके होंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं इस बुक के दूसरे चैप्टर के बारे में, जो है व्हाट इज ट्रू वेल्थ, यानी कि ट्रू वेल्थ क्या है। ट्रू वेल्थ का मीनिंग सिर्फ यही नहीं होता कि आप चीजें खरीद सके, बल्कि ट्रू वेल्थ फ्री होने की एबिलिटी देता है, जिसका मतलब है कि आपके पास इतना पैसा है और इतना टाइम है कि आप जो चाहे वो कर सके, जब चाहे वो तब कर सके। यहाँ से ये चीज़ ध्यान रखें कि इनफ मनी होना कभी भी इनफ नहीं होता, आपके पास इनफ टाइम भी होना चाहिए, क्योंकि खोया हुआ टाइम कभी भी वापस नहीं आता। आपको ऐसे कई हाई पेड डॉक्टर्स या इंजीनियर्स मिल जाएंगे जिनके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन अगर आप उनसे पूछें कि क्या वो ट्रूली फ्री हैं, तो उनका आंसर होगा नहीं, क्योंकि वो लोग सच में फ्री नहीं हैं। अगर उनके साथ कभी भी कुछ भी होता है और उन्हें क्विट करना पड़ता है दोस्तों, तो वे सेम लाइफ स्टाइल के बिना सर्वाइव नहीं कर पाएंगे जिन्हें उनकी आदत है। इसे इनकम क्रिएशन बोलते हैं दोस्तों, जिसका मतलब है कि आप अपने टाइम को मनी के बदले ट्रेड करते हैं, और आप इसमें कुछ भी अर्न नहीं करते हैं दोस्तों जब तक कि आप पर्सनली कुछ ना करें। ये एक तरह का ट्रैप होता है, या फिर जैसा कि हमारे उत्तर इसे कहना पसंद करते हैं, टाइम फॉर मनी ट्रैप। इसमें इनकम क्रिएशन टेम्परेरी होती है दोस्तों, ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। एक बार अगर आप अपने किसी भी कारण की वजह से काम करना बंद कर देते हैं, जैसे कि मान लो कि किसी बीमारी के चलते आप काम नहीं कर पाए, तो ज़रा सोचिए फिर आप कैसे अफोर्ड कर पाएंगे? नहीं ना दोस्तों, ना इस बात का कोई जवाब आपके पास। वेल, तो फिर आप एक लग्जरियस लाइफस्टाइल कैसे अफोर्ड कर पाएंगे जो आपके काम करने या ना करने पर डिपेंड ना हो? लेकिन ऐसा हो सकता है दोस्तों जब आपकी रेजिडेंशियल इनकम हो। रेजिडेंशियल इनकम बेसिकली आपके लिए पैसा कमाती है, चाहे आप काम पे जाएं या फिर ना जाएं। ये सुनने में थोड़ा सा ड्रीम जैसा लगता है दोस्तों, है ना। वेल, खुशकिस्मती ये है कि ये फिक्शनल नहीं है और ना कोई ये कोई सपना है। चलो एक फिक्शनल करेक्टर बनाते हैं दोस्तों, जिसे हम कहेंगे जॉन। जॉन 40 सालों से अपनी इनकम का 10% सेव करता आ रहा है, और पैसे को उसने बड़ी वाइजली इन्वेस्ट किया है, और जब रिटायर हुआ तो उसके पास $1 मिलियन से भी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट था, जिसका उसे 10% हर साल ब्याज मिलता था, और ये रकम $1 लाख के बराबर है दोस्तों। तो एक तरह से ये पैसा वो है जो
उसे बिना किसी काम के घर बैठे बैठे मिल रहा है और यही उसकी एक्चुअल वेल्थ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आगे हम बात करते हैं इस बुक के थर्ड चैप्टर के बारे में, ट्रेडिंग योर टाइम फॉर मनी, यानी कि टाइम को पैसों के बदले ट्रेड करना। आजकल हमारे 50-50 प्लान हैं। हम 50 सालों तक हर साल वीकली 50 घंटे काम करते हैं और जब रिटायर होते हैं तो हमें अपनी लाइफ टाइम कमाई का बस 50% ही मिलता है। और प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि जो हम पहले कमाते थे तो वो भी हमारे लिए इनफ नहीं होता था। तो इमेजिन करो कि जब हम इसका 50% ही मिलेगा तो ये रिटायरमेंट के बाद हमारा गुजारा कैसे चलेगा दोस्तों। ये लीनियर ग्रोथ का एक बेसिक एग्जांपल है दोस्तों। लीनियर ग्रोथ को सिंपली कैलकुलेट करने के लिए हम नीचे दी गई ये इक्वेशन यूज करते हैं, एच यानी कि ओवरली वेज मल्टीप्लाई बाई एन यानी कि नंबर्स ऑफ आवर वर्कड इक्वल टू आई यानी कि इनकम। इसका सिंपली ये मतलब है कि आप जो देते हैं वही आपको एक्चुअल में मिलता है, और जब आप उतना नहीं दे पाते तो आपको भला ज़्यादा कैसे मिल पाएगा। लीनियर ग्रोथ की लिमिटेशन एक्सप्लेन करने के लिए हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों। दो लोग हैं जो दो डिफरेंट जॉब करते हैं। चलो पहले वाले का नाम हम जॉन रख देते हैं। अब जॉन एक जगह पर फ्लावर बेचने का काम करता है। इस काम से वो हर घंटे $10 कमाता है, और अगर वो इसमें से घर से काम तक का ट्रांसपोर्टेशन निकाल दे तो डेली घंटे वीकली 6 दिन भी काम करें तो उस वीक उसकी कमाई $600 से अधिक होती है, और अगर वो हर साल 50 वीक्स काम करे तो वो सालाना $30,000 कमाएगा। तो देखा जाए कि तो ये इतनी कम रकम भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि बहुत से लोग तो बस इतना रुपया कमाने का ड्रीम ही देख पाते हैं कि काश वो इतना पैसा कमा पाए। हालांकि हर साल ये $30,000 जोन की मैक्सिमम इनकम है, वो इससे ज़्यादा कभी भी कमा नहीं सकता, और वो अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम भी स्पेंड नहीं कर पाएगा और ना ही वो कभी ब्रेक लेता है दोस्तों। उसकी इनकम उसकी लीनियर ग्रोथ पर आधारित है। उसे बस एक बार ही पेमेंट मिलती है, और एक बार पेमेंट मिलने के बाद उसे फिर से रेस लगानी पड़ती है। इस तरह से वो अपना टाइम मनी के बदले ट्रेड करता है दोस्तों। अब हम सेकंड करेक्टर को लेते हैं, ये है मार्क दोस्तों, जो मेडिसिन लाइन में है और एक जनरल प्रैक्टिशनर है दोस्तों। वो पर ईयर $1.5 लाख कमाता है दोस्तों, जो कि एक अच्छी खासी रकम है। हालांकि तब भी उस पर डे 10 घंटे और वीकली 6 डेज काम करने का प्रेशर है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से वो अपने काम का गुलाम है। वो थका हुआ हारा हुआ काम पर से घर लौटता है और अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाता, और वो ऐसी लाइफ नहीं जी रहा जैसा उसने सोची थी। और असली प्रॉब्लम तो ये है दोस्तों कि आप चाहे अभी साल के $30,000 कमाएं या फिर $1.5 लाख कमाएं, एक बार अगर आपने जॉब छोड़ दी तो आपकी अर्निंग 0 है। एक कंपनी का CEO काफ़ी पैसे अर्न करता है दोस्तों, शायद $3 मिलियन पर ईयर या फिर उससे भी ज़्यादा, जबकि उसका एम्प्लॉयज सालाना सिर्फ $20,000 कमाता है। तो ऐसा क्यों है दोस्तों? ऐसा इसलिए है क्योंकि CEO जानता है कि मनी को कैसे लीवरेज किया जाए। उसके एम्प्लॉयज उसके लीवरेज हैं, इसीलिए वो अपने एफर्ट के 100% के बजाय अपने 100 एम्प्लॉयज के एफर्ट का 1% अर्न करता है, और यही चीज़ लीवरेज है दोस्तों। हालांकि सिर्फ लीवरेज होना काफ़ी नहीं है, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि उसे यूज कैसे करते हैं, वरना ये आपके लिए यूजलेस है। इसे हम नेक्स्ट चैप्टर में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं इस बुक के फोर्थ चैप्टर के बारे में, वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर, यानी कि स्मार्ट वर्क करे हार्ड वर्क नहीं। तो चलिए दोस्तों, 1888 के अगस्त के टाइम में चलते हैं। आशा कैंडल ने $2300 में कोका कोला नाम के एक कार्बोनेट फाउंटेन ऑफ ड्रिंक के एक्सक्लूसिव राइट्स को खरीद लिया था। ये एक बड़ी सक्सेस थी, क्योंकि उस टाइम में ऑलमोस्ट हर ड्रग स्टोर में इस ड्रिंक का एक फाउंटेन हुआ करता था, जहां पर आकर के लोग 5 सेंट्स में कोका कोला पी लेते थे। हालांकि एक दिन कैंडल ने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसने वाकई में हिस्ट्री चेंज कर दी। एक दिन कैंडल का एक फ्रेंड उसके ऑफिस में आया और एक स्मॉल सी फी के बदले उसे एक एडवाइस दे करके चला गया। कुछ देर आराम से सोचने के बाद आशा कैंडल ने उसे फी पे कर दी। उसका दोस्त ने उसके पास आकर के धीरे से कहा, बोटलेट बस फिर क्या था,
कोका कोला की बोतल आने से पहले लोगों को इसे पीने के लिए ड्रग स्टोर पर जाना पड़ता था, इसलिए कंपनी का सारा प्रॉफिट इस बात पर डिपेंड करता था कि कितने लोग कोका कोला पीने के लिए एफर्ट लगा करके ड्रग स्टोर पर जाएंगे। लेकिन ड्रिंक को बोटलिंग करने से लिवरेज क्रिएट की गई। कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को बोतल में डाल करके और एफर्ट और लोकेशन को लिवरेज बना दिया था और अब उनका नया प्रोडक्ट बोतल में बिक रहा था दोस्तों। तो कोई भी जैसे मान लो कोका कोला के 6 पैक का एक फाउंटेन अपने घर में इंजॉय कर सकता है, तो ये होता है लेवरेज, जिसे आप अपना काम हार्डर के बजाय एक स्मार्टर तरीके से कर सकते हैं। या फिर दूसरे वर्ड्स में कहें तो ये एक ऐसा तरीका है कि कम टाइम में ज़्यादा पैसा कमाया जा सके। तो चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं लीवरेजिंग थ्रू फ्रेंचाइजी के बारे में कि कैसे आप फ्रेंचाइजी के द्वारा लीवरेजिंग कर सकते हैं। आजकल फ्रेंचाइजिंग बिजनेस खूब ट्रेंड में दोस्तों। अमेरिका का ऑलमोस्ट 60% सामान फ्रेंचाइजी के थ्रू सप्लाई होता है। ये एक अच्छा बिजनेस है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा डाउनसाइड भी है दोस्तों, और वो है इसका स्टार्टअप कॉस्ट। अब जैसा कि एग्जांपल के लिए हर कोई इतना रिच नहीं होता कि $1 मिलियन खर्च करके मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी ले सके। और सबसे बुरी बात तो ये है कि सिर्फ एक फ्रेंचाइजी से आप अमीर नहीं बनने वाले, इसके लिए आपको मल्टीपल शॉप्स लेनी पड़ेंगी। लेकिन गुड न्यूज ये है दोस्तों कि एक दूसरा अल्टरनेटिव फ्रेंचाइजी सिस्टम भी है जिसकी स्टार्टअप कॉस्ट इतना कम है कि एक $500 में भी शुरू किया जा सकता है। जो काम आप सिर्फ एक बार करेंगे और उसके लिए आपको 1000 बार पेड किया जा सकता है दोस्तों। अब आप पूछेंगे कि कैसे, तो चलिए दोस्तों इसका आंसर हम नेक्स्ट चैप्टर में आगे आप सभी को बताते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं 5th चैप्टर के बारे में जिसका नाम है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो दोस्तों ये बात 88 साल के एक बूढ़ी औरत के बारे में है जो काफ़ी टफ लाइफ जी रही थी और अपनी रोजी रोटी के लिए वो पड़ोसियों के कपड़े धोने और आयरन करने का काम करती थी, जिसके लिए वो पर बंडल $2 चार्ज करती थी। और वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद उसने अपना प्राइस बढ़ा करके $10 बंडल कर दिया था दोस्तों। इतने सब के बावजूद भी वो सिर्फ $9,000 ही कमा पाती थी। जब वो 40 वर्ष की थी तो उसने थोड़ा पैसा सेव करना स्टार्ट कर दिया था। ये सेविंग टाइम के साथ इंक्रीज होती गई और 1995 के समर के टाइम में उसने अपनी सेविंग्स में से $1.5 लाख एक चैरिटी में डोनेट कर दिया दोस्तों। अब सवाल ये है कि एक ऐसी औरत जिनकी इनकम एवरेज से भी कम है, वो इतनी बड़ी रकम भला कैसे डोनेट कर पाई। वो अपनी सेविंग का कुछ पोर्शन हर साल किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर देती थी दोस्तों। वो पैसा खर्च करने के बजाय उसे इन्वेस्ट करती थी और इस चीज़ को हम कंपाउंडिंग कहते हैं दोस्तों। इसे और एक्सप्लेन करने के लिए हम आपको बताते हैं। मान लीजिए दोस्तों कि आपने आज से 25 साल पहले जीरोक्स में $10,000 इन्वेस्ट किए होते, तो आज आपके $10,000 $40 मिलियन में बदल गए होते। यह है फ्रेंचाइजी का अल्टरनेटिव तरीका दोस्तों। फ्रेंचाइजी बेशक एक अच्छी बात है दोस्तों, लेकिन इसे शुरू करने के लिए आपके पास काफ़ी बड़ी रकम होनी चाहिए। लेकिन कंपाउंडिंग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कम पैसे से भी शुरू करके कुछ टाइम बाद एक बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं दोस्तों। और अब दोस्तों अगर आपके पास पैसा भी कम है और टाइम भी कम है और आप फिर भी ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो इसका आंसर भी हमारे पास है। इसके लिए आप नेटवर्क मार्केटिंग का ऑप्शन चूज कर सकते हैं दोस्तों, और इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं इस बुक के नेक्स्ट चैप्टर के बारे में जिसका नाम है सिनर्सिज्म मैरिजेस, यानी कि जब दो लोग मिल करके किसी एक प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो उसका बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग इफेक्ट मिलता है दोस्तों। 1905 के वर्ल्ड फेयर में एर्नेस्ट हेमवी ने अपने वेफल्स बेचने की पूरी कोशिश की। वो इसकी प्रमोटिंग करता रहा, फिर भी किसी ने उसके वेफल्स नहीं खरीदे। और उससे भी बुरी बात उसके साथ ये हुई कि उसके बिल्कुल नेक्स्ट वाले स्टोर के बाहर लोगों की लाइन लगी हुई थी जहाँ से आइसक्रीम बिक रही थी दोस्तों। फिर एक दिन आइसक्रीम बेचने वाले के पास प्लेट्स खत्म हो गई, तो उसने एंसर्ट से कुछ प्लेट्स उधार मांगी। एंसर्ट के पास प्लेट्स तो नहीं थी, लेकिन उसने सोचा क्यों ना वेफल्स को ऐसे रोल किया जाए कि उसमें आइसक्रीम होल्ड की जा सके दोस्तों। और इस तरह से आइसक्रीम कोन बनी जो लोगों को बड़ी पसंद आई, और फिर दुनिया भर में आइसक्रीम कोन फेमस हो गए और आज भी ये सबका फेवरेट स्नैक है दोस्तों। ये आइसक्रीम और वेफल्स की स्टोरी सिनर्सिज्म का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है।
दो अच्छे प्रोडक्ट या फिर कॉन्सेप्ट जो एक दूसरे से एकदम अलग हैं, फिर भी जब कंबाइन होते हैं तो एक नया ग्रेट प्रोडक्ट या फिर कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है दोस्तों। अब इमेजिन करो कि आपने वेल्थ क्रिएशन के लिए एक परफेक्ट सिनर्जिज्म क्रिएट करने का चार्ज लिया है, एक ऐसा पावरफुल सिनर्जिज्म जो इस प्लानेट पर हर किसी की लाइफ टच कर सके, जो अफोर्डेबल हो रहे, एक डुप्लीकेशन सिनर्जिज्म हर किसी को अवेलेबल हो सके दोस्तों। वेल, ये बिल्कुल सिंपल है और मैं इसे फ्रेंचाइजी और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की शादी कहना पसंद करूंगा दोस्तों। तो आखिर उसकी मैरिज का रिजल्ट क्या होगा? नेटवर्क मार्केटिंग द अल्टीमेट सिनर्जिज्म। तो चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं इस बुक के 7 चैप्टर के बारे में जो है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, जो कि है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि डुप्लीकेशन का वो तरीका जिससे फ्रेंचाइजी को सक्सेसफुल बनाया जा सकता है और कंपाउंडिंग ट्रू वेल्थ क्रिएट करने का कि वो है, तो इन दोनों का अगर हम कंबाइन करें तो नेटवर्क मार्केटिंग बनती है दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग के लिए सिंपली किसी ऐसी कंपनी को ज्वाइन करना होता है जो पहले से इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर रही होती है दोस्तों। एग्जांपल के लिए वे अपना एक प्रोडक्ट देंगे जो आपको सेल करना है और जब आप इसे बेचते हैं तो आपको 25-30% कमीशन मिल सकता है दोस्तों। हो सकता है कि ज़्यादा बड़ी रकम ना लगे, लेकिन अगर आप हर मंथ एक आदमी को भी ये सिखा दे तो मुबारक हो, आपका कमीशन बढ़ जाएगा दोस्तों, क्योंकि वो आदमी जब आगे सेल करेगा तो उसमें से भी आपको कमीशन मिलेगा और जब वो आदमी किसी और को सिखाएगा तो आपका कमीशन और बढ़ता जाएगा दोस्तों। ये एक पिरामिडल स्ट्रक्चर है दोस्तों, जितने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे उतना ज़्यादा कमीशन आपको बनेगा। और माय डियर, वेल्थ क्रिएट करने के कॉपीकैट का बस यही तरीका है, ये बिल्कुल फ्रेंचाइजी की तरह है, लेकिन फ़र्क बस ये है कि इसमें आपको स्टार्टअप के लिए $1,000,000 खर्च नहीं करने पड़ते, बल्कि आपको काफ़ी कम पैसे खर्च करने पड़ते हैं और डेली ऑफिस जाने के बजाय आप घर पर बैठ करके काम कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये थे इस बुक के 7 चैप्टर्स। आई होप कि आपको ये बुक समरी पसंद आई होगी। अगर आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जा करके आप अपना सजेशन लिख सकते हैं और हमारी वीडियोस को देख करके अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए जल्दी से जल्दी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो अंत में बस इतना ही दोस्तों, खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, लव यू ऑल।